जय किशेष बच्चों, केशेष ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, जो कक्षा लगभग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये टॉपिक है। तो देखो, संधि के बारे में, संधि का हम शाब्दिक अर्थ, संधि किसे कहते हैं, संधि क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर संधि की परिभाषा पढ़ी थी, संधि के हेतु हमने पढ़े थे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के हमने भेद पढ़े थे, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण, अयादि और वृद्धि स्वर संधि। आज हम बात करेंगे व्यंजन स्वर संधि की, यानी कि व्यंजन स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि हमने पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन स्वर संधि। तो दूसरी हमारी जो संधि है वो है व्यंजन, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने स्वर संधि पढ़ी थी कि दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होना चाहिए। जब दो स्वर आपस में मिलेंगे तो उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन आज हम जो व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि में देखो क्या है, व्यंजन संधि की परिभाषा है कि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यानी पहले पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो सकता है। जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे तो वहां जो परिवर्तन आएगा उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन स्वर, सॉरी व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लिखते हैं कि व्यंजन वर्ण के, व्यंजन वर्ण के बाद, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन, व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते, व्यंजन संधि कहते कि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते। नंबर एक चीज तो हमें याद रखनी कि व्यंजन वर्ण के बाद, दूसरा क्या है, स्वर या व्यंजन वर्ण, ठीक। अब आप कहोगे व्यंजन वर्ण के बाद ये क्या सर, तो इसमें क्या होगा कि पहले पद, मैंने आपको पहले भी बताया था संधि में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहां एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, उदाहरण इसके क्या क्या है, बहुत सारे हैं व्यंजन संधि के। तो देखो, शब्द है डिक प्लस अंबर, ठीक है, एक तो ये एग्जाम्पल है। डिक प्लस गज, ठीक, जगत प्लस अंबा, ये जैसे कि एग्जाम्पल है। अब मैंने देखो पहले पद का जो अंतिम वर्ण उसके नीचे हलंत लगाया है,
हलंत लगाएंगे तो ही ये व्यंजन वर्ण माना जाएगा, अन्यथा फिर अगर मैं हलंत नहीं लगाता हूं उसमें तो इसमें कहने का मतलब है कि फिर स्वर इसके साथ में क्या है, कह के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने जो व्यंजन वर्ण पढ़े थे, जब हमने हिंदी वर्णमाला में व्यंजन यानी वर्ण विचार हमने पढ़ा था, वर्ण विचार के अंदर हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण है वो हमेशा ध्यान रखना, वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इस प्रकार ये क होता है, क के साथ में स्वर जुड़ा हुआ है तो क पूरा है। अगर मैंने हलंत लगा दिया तो ये फिर अब क्या है, व्यंजन है। तो इसीलिए मैंने यहाँ सबके पीछे क्या लगाया है, हलंत लगाया है, ठीक है। क्योंकि लिखा हुआ कि व्यंजन वर्ण के बाद, इसलिए ये व्यंजन वर्ण है। अगर हलंत नहीं लगाता तो इसके पीछे किसकी ध्वनि होती, यानी कि स्वर की ध्वनि आती, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक। अब देखो दिक् प्लस अंबर, ये तो देखो क है और ये है अ, तो बराबर क्या बनेगा, ये ग बनेगा, ये ध्यान रखना। क्यों बनेगा, इसका भी एक नियम है। नियम क्या है कि यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए, या फिर कोई भी स्वर या यर ल व इनमें से कोई भी वर्ण हो, या कोई भी वर्ण हो, तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। ये आया समझ में, तो देखो क है, क का अपना वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, ग है। क्या है, ये ग है, तो ये हो जाएगा दी तो आए गई, क और ए का क्या बन गया, ग और मंबर दिगंबर, ठीक है। दिक् प्लस गज, वही बात इसमें है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर कोई भी स्वर या फिर यर ल व में से कोई भी वर्ण हो, तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो दी तो आए गई, अब क का ग बनेगा ही, क्योंकि क का ये क है और ये ग है, बराबर ये क्या बनेगा, ये बदलेगा कौन, ये बदलेगा अपने वर्गी, ये आधा है तो आधा। यहां पूरा क्यों लिखा हमने, क्योंकि इस के अंदर ए जुड़ गया तो ग क्या हो गया, पूरा हो गया, तो ये हो गया ये दिग प्लस गज बराबर दिग्गज, ठीक है। वैसे ही ज द, ये त और ए का क्या बन गया, द, ये त है और ये ए है, बराबर क्या बन गया, द, त अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में क्या हो गया, बदल गया। तो देखो ये जय का जय गय, फिर तय और दय, तय और का क्या बन गया, दय बन गया, और पीछे अंबा। तो इस प्रकार ये व्यंजन संधि होती है। रूल्स यही कहता है, नियम यही कहता है कि व्यंजन वर्ण के बाद, ये सभी व्यंजन वर्ण है, के बाद स्वर या व्यंजन, इनमें से कभी स्वर कभी व्यंजन, स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, वर्ण के बाद मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक। आया समझ में ये आपको। अब देखो स्वर संधि में तो हमने उसके पांच प्रकार पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। लेकिन व्यंजन संधि के अंदर आपके हिंदी में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, तो उनमें से आपके जो मुख्य जो नियम हैं वो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हम आज व्यंजन संधि का पहला जो नियम है वो पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है, तो देखो व्यंजन संधि का देखो पहला नियम, देखो नियम नंबर फर्स्ट है, नियम नंबर फर्स्ट है व्यंजन संधि का, वो क्या है, यदि किसी भी वर्ग के, हमने हिंदी वर्णमाला में हमने जब वर्ण विचार पढ़ा था तो कहने का मतलब हमने वर्ग पढ़े थे व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं वो हमने पढ़े थे, 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। इन्हें पांच भागों में, सॉरी तीन भागों में बांटा गया था, एक तो स्पर्श में बांटा था हमने, एक अंतस्थ में बांटा था और एक हमने उसमें व्यंजन में बांटा था, ठीक है, ये तीन में बांटा। इसके अंदर तो देखो पांचों वर्ग आते हैं, क वर्ग में क ख ग ग पूरे आते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये हमने पांचों वर्ग हमने पढ़े। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ये र ल व ये हमने पढ़ा, और उसमें के अंदर हमने श स
स और है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। इसमें तो पांचों वर्ण हमने पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग हमने पढ़े थे, तो वही बात ये कर रहा है। 33, 25 तो ये हो गए, 25, 4, 29, 4, 33, ठीक है। तो 33 व्यंजन वर्ण होते हैं, हिंदी वर्ण माला में हमने पढ़ा था। पांचों वर्ग है, पांचों वर्ग का मतलब क, क, ख, ग, 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 च, छ, ज, 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 ई, ट, ठ, ड, 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 न, त, थ, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म, ये हमने पढ़ा था, ये पांचों वर्ग। तो वही बात करते हैं, नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है। नियम नंबर फर्स्ट ये है व्यंजन संधि का, किसी भी, नियम नंबर फर्स्ट है, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण कहने का मतलब क का अपना क है, च का अपना च है, ट का अपना ट है, त का अपना त है, और प का अपना प है, ये सभी अपने वर्ग के क्या है, प्रथम वर्ण है। तो हो जाएगा किसी भी वर्ग के, किसी भी, पांच वर्ग होते हैं व्यंजन वर्णों में, क, च, ट, त, प, यानी क, च, ट, त, प, ठीक। किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग के प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण, ये सभी अपने वर्ग के प्रथम वर्ण है, के सामने, सामने किसी भी, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, या कोई, या कोई भी, या कोई भी स्वर, या कोई भी स्वर आए तो वह, वह कौन, पहला, यानी कि पहले पद का अंतिम वर्ण है वह, वह क्या होगा, वह अपने, वह अपने वर्ग के, वह अपने वर्ग के, वह अपने वर्ग के तीसरे, तीसरे का मतलब समझ रहे हो ना, अगर कह होगा तो कह, खे, गय में बदल जाएगा, ये ध्यान रखना, कह होगा तो गय में बदल जाएगा, अगर छह होगा अंतिम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण अगर छह होगा तो छह का तीसरा वर्ण कौन है, छह, छह, जय, ठीक है, जय में बदल जाएगा, ठीक। अगर टै वर्ग है तो टै का तीसरा वर्ण टै, ठै, डै, डै में बदल जाएगा, ठीक है। अगर त है तो त, थ, द, किस में बदल जाएगा, द, और प है तो प, फ, ब, ब में बदल जाएगा, ठीक है। ये रूल्स हैं, इस रूल्स को आप समझो अच्छे से, समझना, देखो लिखा है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने, कोई भी वर्ग, पांच वर्ग है व्यंजन वर्ण में, पांच वर्ग है, क, च, ट, त, प, ठीक है। तो वही बात कर रहा है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के, यानी कि सभी अपने वर्ग के प्रथम वर्ण, क, च, ट, त, प के सामने, इनके अगला दूसरे पद का प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का, कोई जरूर नहीं है क के सामने क के तीसरा, चौथा, पांचवा हो, कोई जरूर नहीं है, क के सामने छ का भी हो सकता है, ट का भी हो सकता है, त का भी हो सकता है, प का भी हो सकता है, ठीक है। किसी, इसीलिए लिखा है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर यह रह लवे या कोई भी स्वर हो तो वह अपने वर्ग के, अब जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण वो अपने वर्ग में बदलेगा, दूसरों में नहीं बदलेगा। अगर क है तो क गय में बदल जाएगा, अगर छ है तो ज में बदल जाएगा, ट है तो ड में बदल जाएगा, त है तो द में बदल जाएगा, अगर प है तो ब में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये पहला रूल है व्यंजन संधि का, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहां कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लिखता हूं, अभी हमने लिखा था यहां है दिक प्लस गज, ठीक, ये है, समझ रहे हो आप, दिक प्लस गज,
यानी कि नियम यही कहता है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने लिखा हुआ है ये कह अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है ये जाना। अब इसके सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तो जो ग है अगले पद का प्रथम वर्ण ग है तो ग क वर्ग का कौन सा है तीसरा ही है तो ये लिखा हुआ कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या फिर कोई भी स्वर या फिर यरेलेवे में से कोई भी वर्ण हो तो वह अपने वर्ग में। अब ये क है वो किस में बदलेगा ग में बदलेगा तो ये क है या क के नीचे हलंत है और ये ग है तो बराबर क्या बनेगा ये आधा गए और पूरा गए बन जाएगा ठीक है समझ रहे हो। तो देखो डी का डी आएगा ही क्या और गए का गज और ये जय दिग प्लस गज बराबर क्या हो गया दिग्गज ठीक। यहां मैं लिख देता हूं जगत प्लस अंबा जगत प्लस अंबा ठीक है। अब देखो वही बात तय अपने वर्ग का नियम ही है किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने तो तय है प्रथम वर्ण है तय के सामने कोई भी स्वर लिखा हुआ कोई भी स्वर आए ठीक है तो भी वो अपने वर्ग के कौन तय अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा तो तय का अपना वर्ग का तीसरा वर्ण को ये दो तय है तय प्लस ए तो तय के अंदर ए जुड़ गया तो तय तो पूरा हो गया तो यहां हम तय अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो क्या बनेगा इसका द बनेगा दे भी पूरा होगा क्योंकि ए इसके साथ में स्वर क्योंकि व्यंजन वर्ण है वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते ठीक। तो देखो ये जय आ गया ये गए और जय गए और तय और ए का क्या बन गया दे और ये अंबा जगदम्बा ठीक है। वैसे ही है जगत प्लस ईस जगत प्लस ईस ठीक ये तय है और ये है ई तय और ई का क्या बन गया डी बन गया। ई बड़ा है तो मात्रा बड़ी लगेगी अगले वर्ण की जो मात्रा होगी वो सेम रहेगी तो देखो जय तो जय गए की जगह गया आ गया तय और ई का डी बन गया और इधर क्या बच गया श जगत प्लस ईस बराबर क्या बन गया जगदीश ठीक है। और भी देख लो इसके को एग्जाम्पल दिक प्लस दर्शन दिक प्लस दर्शन ठीक है। अब ये जो क है और ये क्या है द ठीक क और द का क्या बना ये बनेगा ठीक है। क अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा क अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा तो ग यहां आधा है और ये द पूरा है तो ये हो जाएगा दी दिग दर्शन हो जाएगा ठीक है ना दिग दर्शन ठीक है। तो इस प्रकार ये रूल नंबर नियम नंबर पहला था। नियम क्या था किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर यह रेलवे या कोई भी स्वर आए तो वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाए। हमेशा ध्यान रखना बदलेगा कौन यही बदलेगा क है तो क अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा तय है तो तय अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा अगर फिर तय है तो अपने कह है तो अपने तो वैसे और भी बहुत सारे शब्द अगर च है तो अपने वर्ग में बदल जाएगा ट है तो अपने वर्ग में त है तो अपने वर्ग में प है तो अपने वर्ग में ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना बदलेगा हमेशा अपने वर्ग के में ही बदलेंगे दूसरे में वो नहीं बदले चाहे इनके सामने किसी का भी वर्ण किसी का भी हो लेकिन कह के सामने देखो द तय वर्ग का तीसरा फिर भी कह अपने वर्ग के में बदलेगा ध्यान रखना समझ रहे हो। ये नियम नंबर आपका पहला था। इसी का नियम नंबर दूसरा देखो नियम नंबर दूसरा इसमें देखो तो देखो व्यंजन संधि का दूसरा नियम है यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाएगा मैं किस में बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा ठीक। ये दूसरा नियम है अपने व्यंजन संधि का यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आए तो मैं किस में बदल जाएगा अनुस्वार में छोटा सा नियम है ये ठीक। जैसे कि सम प्लस पूर्ण बराबर क्या हो जाएगा संपूर्ण हो जाएगा ये जो मैं है वो स तो है ये मैं किस में बदल जाएगा अनुस्वार में बदल जाएगा
ठीक है, तो यहां मैं नहीं लिखकर हम क्या डायरेक्ट क्या लिखेंगे, संपूर्ण, ठीक है ना। ऐसे हो जाएगा सम प्लस कल, तो क्या होगा ये मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि यदि मैं के बाद पहले पद का अंतिम वर्ण मैं होना चाहिए और दूसरे पद का प्रथम वर्ण वो कैसे मैं तक कोई भी हो सकता है। तो सम प्लस कल्प बराबर क्या होगा, सह तो आ जाएगा, और ये कल्प नाम हम लिखकर ऊपर क्या लगा देंगे, चंद्र, ये सॉरी अनुस्वार लगा देंगे। सम प्लस दे, सम प्लस दे क्या होगा, संदेह, क्या हो जाएगा, संदेह, ठीक। सम प्लस तोष, सम प्लस तोष बराबर क्या होगा, संतोष, ठीक। वैसे भी और है, सम प्लस बंद, सम प्लस बंद क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सम प्लस बंद बराबर क्या हो जाएगा, संबंध। तो ये रूल्स था, छोटा सा रूल्स था, यदि मैं के बाद पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, सभी में मैं है, देख रहे हो आप, इसमें मैं है, इसमें मैं के बाद अगले पद का प्रथम वर्ण कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, प भी कैसे मैं भी आ रहा है, क भी आ रहा है, द भी आ रहा है, तय भी आ रहा है, व भी आ रहा है, ठीक है। तो कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आए तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। ये जितने भी मैंने लगाए ये सब किस में बदल रहे हैं, अनुस्वार में बदल रहे हैं। तो ये छोटा सा रूल था, नियम था अपना, यदि मैं के बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। ये एक तो छोटा सा रूल है। अब अगला जो तीसरा नियम है वो भी इससे ही संबंधित है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो तीसरा नियम, देखो इसका नियम नंबर थर्ड, नियम नंबर थर्ड देखो इसका इससे ही संबंधित है। नियम नंबर थर्ड देखो, यदि यदि किसी किसी भी वर्ग के, यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के सामने, यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का, यदि किसी भी वर्ग के प्रथम पंचम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, कौन सा है, तीसरा या चौथा, किसी भी वर्ग के, यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण वर्ण आए तो वह अपने वर्ग के पंचम, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। देखो नियम यही है, यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के सामने, हर वर्ग में पांचवा वर्ण होता है जिसे अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुनासिक, जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से क्या होता है, होता है, ठीक है। यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा, वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा।
तो देखो सॉरी यह तीसरा और चौथा नहीं है, यहां पहला और तीसरा है, पहला और तीसरा। यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का पहला या तीसरा वर्ण आए तो वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे देखो, जैसे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो देखो यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का, ठीक है ना, यदि किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के सामने किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण आए तो वह अपने वर्ग के पहला तीसरा ने पहला और पांचवा है सॉरी पहला और पांचवा वर्ण आए तो वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो जगत प्लस नाथ तो क्या हो जाएगा इसका, ये तय है, ये तय किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के पांचवे में। ठीक है, तो देखो ये जय गय तय करने और ये नाथ, ठीक, जगन्नाथ, ठीक, गय आ गया, जय और गय तय है, वो तय किसमें बदल गया, न में, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदलने और नाथ आ गया। वाक प्लस में, तो देखो वा तो आ गया कह का अंतिम वर्ण ड, ठीक, और ये आ गया मैं, ठीक है ना। उत प्लस नयन, उत प्लस नयन तो क्या हो गया, ये उन्नयन, ठीक है ना। उत प्लस, उत प्लस नति, उत प्लस नति तो क्या हो गया, ये उन्नति, क्या हो गया, उन्नति। तो कहने का मतलब नियम यही कहता है यदि किसी भी वर्ग के, ठीक, प्रथम या तृतीय, पहला या तृतीय वर्ण के सामने, ठीक, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आए तो वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, ये अपने वर्ग के तीसरे पहले हैं, ठीक है, पहला या तीसरा में से कोई भी, दोनों में से एक होना चाहिए, और इसके सामने किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण न मैं न न, ये आगे पंचम वर्ण किसी भी वर्ग के, तो ये किसमें बदल जाएंगे, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो देखो तय का अपना वर्ग का पंचम वर्ण न है, तय थे दे धे न, तय का न है, कै का ड है, कै खे गे गे मैं, ठीक है, तय का न है। तो इसी प्रकार ये नियम नंबर तीसरा था। अब देखो नियम नंबर चौथा क्या कहता है, नियम नंबर चौथा है नियम नंबर चौथा देखो नियम नंबर चौथा है यदि तय या द, यदि तय या द के बाद, यदि तय या द के बाद छ आए तो तय या द, तय या द छ में बदल जाएगा। छोटा सा नियम है, देखो यदि तय या द के बाद पहले पद का अंतिम वर्ण तय या द में से होना चाहिए, यदि तय या दय के बाद छ या छ आए तो जो तय और दय है वो किस में बदलेगा, छ में बदलेगा। देखो जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, नियम यही कह रहा है यदि तय या दय पहले पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से एक होना चाहिए, तो अपने पास तय है,
के बाद दूसरे पद का प्रथम वर्ण इन दोनों में से छह या छह में से होना चाहिए, तो छह या छह में से है आए तो बदलेगा कौन, तय और दय किसमें बदलेगा, छह में बदलेगा, किसमें बदलेगा, छह में बदलेगा। तो देखो उत प्लस चारण, तो ऊ का ऊ आ गया, तय केवल छह बन गया और बाकी चारण एज इट इज आ गया। उत प्लस चारण बराबर क्या हो गया, उच्चारण। ठीक, अब देखो इसका और एग्जांपल देख लेते हैं हम। दूसरा है शरत प्लस चंद्र, तो देखो स को तो स आ गया, रे का रे, तय का च, ये चंद्रपुर आ गया सचंद्र। ठीक है, एक नियम इसमें ये है, इसमें और दूसरा नियम इसी के साथ में, ये नियम वैसे इकट्ठा नियम है, पूरा शामिल है, लेकिन मैं इसके आपको टुकड़े करके बता रहा हूं। इसमें नियम नंबर 5 डाल देता हूं यहीं पे, नियम नंबर 5 वो ही है, यदि यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद जय या झय, जय या झय आए तो तय या दय, तय या दय जय में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। इसका भी इसमें साथ में है लेकिन अलग कर दिया, यदि तय या दय के बाद जय या जय आया, यहां पहले क्या था, छह या छह था और वो बदल किसमें रहा था, छह में, लेकिन अब की बार किसमें बदलेगा, जय में बदलेगा, बदलेगा कौन, तय और दय, समझ रहे हो। अगला इसका एग्जाम्पल है, जैसे सत प्लस जन, सत प्लस जन देखो सह का तो सह रहेगा और यदि तय और दय के बाद लिखा हुआ है, तय और दय के बाद जय या जय आए तो जय में बदलेगा, तो पहले पद का अंतिम वर्ण तय है, ठीक, दूसरे पद का प्रथम वर्ण पूछा है जय या जय में से होना चाहिए, तो जय आ गया एक और बदलेगा कौन, तय और दय किसमें, जय में, तो देखो सह का तो सह, तय किसमें बदल गया, जय और ये जन एज इट इज आ गया। ठीक है ना सज्जन, सत प्लस जन बराबर क्या हो गया, सज्जन। ठीक, वैसे ही देखो उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल, तो देखो ऊ तो आएगा ही, ठीक, तय का क्या बन गया, वही जय और ये ज्वल, उत प्लस जल बराबर उज्ज्वल। ठीक है, तो ये पांचवा, चौथा और पांचवा नियम था, इसमें एक दो नियम और पढ़ लेते हैं हम व्यंजन संधि के, तो देखते हैं अगले नियम और क्या है। नियम नंबर 6 है, यदि तय या दय, यदि तय या दय के बाद, यदि तय या दय के बाद तय या ठय आए तो, आए तो, आए तो तय या दय, तय या दय किसमें बदल जाएगा, तय, तय या दय तय में बदल जाएगा। नियम ये है, उसी का नियम है, नियम को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, यदि तय या दय के बाद तय या ठय आए, तय या ठय आए
तो तय और दय तय में किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। देखो जैसे जैसे तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका बराबर क्या हो गया, तय तो तय रहेगा, तय किस में बदल जाएगा, तय और दय, पहले पद का अंतिम वर्ण तय या दय के बाद वाला ठय या ठय, तो तय और दय किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। तो ये तय है, ये तो तय और ये टैस के नीचे, तटीका, तत् प्लस टीका बराबर क्या हो गया, तटीका। ठीक, इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। अगला इसमें एक और नियम है, देखो नियम नंबर, नियम नंबर इसमें एक और है, नियम नंबर सातवां है। यदि यदि तय या दय के बाद लय आए तो तय या दय किसमें बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। ये पूरा नियम एक ही है, मैं आपको इसको तोड़ के बता रहा हूं, ये सभी उसमें एक में शामिल है। यदि तय या दय के बाद लय आए तो तय और दय किसमें बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। उदाहरण जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल देख लो, उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, पहले पद का अंतिम वर्ण तय दय में से है और दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, लय है, तो तय और दय किसमें बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। तो देखो ये तो देखो उ तो आ गया, तय किसमें, लय में, और ये लेख, उत प्लस लेख बराबर क्या हो गया, उल्लेख, और तत् प्लस लीन। देखो एक और है इसका, तत् प्लस लीन बराबर क्या हो गया, तल्लीन। ठीक, तत् प्लस लीन बराबर क्या हो गया, तल्लीन। तो ये आपके व्यंजन संधि के कुछ नियम थे। इसके आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नियम और ये व्यंजन संधि जो स्वर संधि से पहले पढ़ी थी वो आपको समझ में आई। अगली क्लास के अंदर हम, कहने का मतलब आपके विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, हम विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उसके भी कौन कौन से नियम हैं, उसके भी कुछ नियम है, उस नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि के, सॉरी स्वर संधि के कुछ नियम अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।